चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव में भाजपा आर पार के मूड में है और इसे लेकर रविवार को प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई और इसके बाद निर्णय लिया गया कि 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। 2 सीटों के लिए 4 नामों का पैनल दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है और अब 2 उम्मीदवार कौन होंगे इसका फैसला भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि होली के बाद नाम की घोषणा हो सकती है। वीडी शर्मा ने कहा कि वे जानते हैं अभी संख्या बल के हिसाब से भाजपा को 1 सीट मिल सकती है लेकिन भविष्य में संभावनाओं को देखते हुए पार्टी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की बैठक अभी संपन्न हुई है। चुनाव समिति के कुछ सदस्य दिल्ली में होने के कारण कल हम लोग दिल्ली में थे तो प्रत्यक्ष तौर पर दिल्ली में कुछ सदस्यों के साथ मिलकर मेरी बात हुई और शेष जो लोग बचे थे उनके साथ अभी यहाँ बैठक में मिलकर के बात हुई है। कुछ सदस्य ऐसे थे जो उपस्थित नहीं थे, उनसे फ़ोन पर भी चर्चा करने के बाद उनका जो अभिमत है वो इस चुनाव समिति की बैठक में हमने लिया है। जो नाम तय हुए हैं उस पैनल को बंद लिफाफे में केंद्रीय नेतृत्व को आज हम भेज देंगे और जब नॉमिनेशन होगा उस समय जो प्रत्याशी तय होंगे केंद्रीय नेतृत्व वो तय करेगा।